यूट्यूब चैनल धीरज और मैथ्स सीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 2.5। तो पहला सवाल कह रहा है कौन बड़ा है। तो पहले सवाल का पहला पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। 0.5 तथा 0.05 में कौन बड़ा है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जिसे पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या में दो संख्याएँ हैं तो इसमें भी दो संख्याएँ मानी जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर आप कभी कभी मोबाइल में बैलेंस देखते हो तो लिखा है अगर 1 रुपया ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 रुपया 50 पैसा है। अगर 5 पैसा होगा तो वो सीधे ऐसे लिखकर दिखाएगा, यानी पैसा में दो संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर दो संख्या है और यहाँ पर अगर नहीं है तो मान लेंगे। ठीक, कभी हमेशा आप देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे आपको आपके पास 3 रुपये हैं, इसको अगर आप दो जगह बांटना है तो जब इसको 2 से भाग जब दोगे तो ये आएगा 2 × 1 = 2, 1 बचेगा पॉइंट लगाएंगे, 2 × 5 = 10। तो कितना कितना आया, 1 रुपया 5 पैसा कि 1 रुपया 50 पैसा, कितना आएगा, 1 रुपया 50 पैसा। देखिए अगर रुपया है तो 1 रुपया ये 5 नहीं है, ये 50 पैसा है। अगर इसी की जगह ये किलोग्राम होता तो 1 रुपया ये आएगा इतना ही, 3 किलोग्राम को 2 जगह जब बांटोगे तो 1.5 ही आएगा। लेकिन अब ये जो है 1 किलो 1.5 जो है तो 1 किलो और 500 ग्राम है। ठीक, अब इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे जब यहाँ पर कि कौन बड़ा है, तो देखिए ये है 0.05 और ये है 0.50। तो अब बताइए कौन बड़ा है, 0.5 है 0.05 है, तो ये 5 पैसा है और ये 50 पैसा है। 50 पैसा कैसे, जैसे 1 रुपये को अगर 2 जगह बांटना हो तो जब 2 से भाग देंगे 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 2 × 5 = 10। तो देखिए ये कितना आया, 0.5। तो 0.5 का मतलब ये 50 पैसा है, ना कि 5 पैसा। तो कौन बड़ा है, 0.5। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, 0.7 और 0.50। अब देखते हैं दोनों में एक ही एक संख्या है। ठीक, तो कोई बात नहीं, अब इसको चाहे 7 मान लो, इसको 5 मानो, अगर इसको 70 मानोगे तो इसको 50 मानोगे। फिलहाल बड़ी कौन सी संख्या है, 0.7 और 0.5। अब चाहे तो तुलना भी कर सकते हैं, यानी पूर्णांक तो कुछ है नहीं। अब पॉइंट के बाद पहली संख्या देखते हैं, पॉइंट के बाद पहली संख्या देखते हैं तो कौन बड़ी है, 7। तो ये हमारी बड़ी संख्या। अब बात करते हैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पर ये 7 रुपये पूर है और ये पैसे में है, 0.7, ये 7 पैसा नहीं है, 70 पैसा माना जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 0.7 कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट, 1.37 अथवा 1.50। तो 1.37 और 1.50, अब अगर तुलना करें तो रुपया तो बराबर है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो कौन बड़ा है, ये 4 बड़ा है। ठीक, देखिए यहाँ पर 40 से ज़्यादा है और यहाँ पर 40 से कम है। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की, 2.03 और 2.30। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये 0 ना भी लगा होता फिर भी ये इसे 30 ही मानते, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद दो संख्या है तो पॉइंट के बाद दो संख्या अपने आप मान भी लिया जाता है। तो 2.03 और 2.30 में कौन बड़ा है, ये बड़ी है। तो जिधर बड़ी संख्या होती है उधर को निशान लगा देते हैं। अब 0.8, अब देखिए 0.8 और 0.88। ठीक, अब बताइए कौन बड़ा है, देखिए इसमें कितनी संख्या है, 2, तो इसमें भी 2 माने जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 80 और ये 88। तो कौन बड़ा है, ये 88 बड़ा है। बाई द वे अगर यहाँ पर 0.8 और इधर लिख दिया जाए 0.78, तो ये मत समझना कि ये 8 है, ये कितना है, 80 है। लिखा हो या ना लिखा हो तो यही 0.80 बड़ा माना जाएगा और ये छोटा माना जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। तो रुपये में आपको बदलना है, तो रुपये में बदलने का ये तरीका होता है, अगर पैसे में दिया है और रुपये में आपको चेंज करना है तो बस 100 से भाग कर दीजिए। जैसे कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 500 पैसे हैं, अगर रुपयों में चेंज करना है यानी 100 से आप भाग कर दो, यानी कितने रुपए हैं, 5 रुपये, कितने रुपए हैं, 5 रुपये। तो यानी 100 से आपको भाग करना है। और अगर पैसे में बदलना है, जैसे 1 रुपया आपके पास है और पैसा कितना हुआ, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 पैसा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर
हमारा पैसे में दिया है और किस में बदलना है, रुपए में। तो 7 पैसे दिया है तो ये लिखेंगे हमने 7 पैसे, और इसको जब रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो ये हमारा जब 100 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो ये 7 पैसे था और 100 से जब हम इसको भाग करेंगे तो जब भाग करेंगे तो 0.07, क्योंकि देखो 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो ये हो गया, ये हो ये, अब ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया रुपए में चेंज। अब बात करते हैं 7 रुपये 7 पैसे, तो देखिए ये हो गया 7 रुपया प्लस ये 7 पैसा है, ठीक, 7 रुपया 7 पैसा। तो अब देखिए ये हम 7 रुपये को ऐसे लिख देंगे, और ये जो 7 पैसा है इसको जब हम चेंज करेंगे, कहीं पर भी चेंज कर लीजिए, तो 7 पैसे को देखो अभी हमने यहाँ पर चेंज किया है तो कितना आया, 0.07 रुपया। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 7 प्लस 0.07 रुपया, ठीक। अब बात करते हैं 77 रुपये 77 पैसे की, ये भी हम लिखेंगे तो 77 रुपया प्लस 77 पैसा, ठीक। तो 77 रुपये के तो ठीक है, और ये जो 77 पैसा है इसको जब कन्वर्ट करेंगे यानी 100 से भाग करेंगे, देखिए जब इसको 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.77 रुपया। तो ये हो जाएगा टोटल, जब इसको जोड़ेंगे तो 77 रुपये तो सेफ हैं और पैसे में 77, तो यानी यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 77.77। जैसे अगर यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसा लिखा है, लेकिन लिखा सिर्फ यहाँ रुपया जाता है, ठीक, 1.5 रुपये को कहेंगे 1 रुपया 50 पैसा, तो इसी प्रकार से 77 रुपया 77 पैसा। अब बात करते हैं 50 पैसे को, तो देखिए ये है हमारा 50 पैसा, और जब इसको रुपए में बदलेंगे तो कितना, 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 एकम 50 50 दूनी 100, और जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा रुपया। अब 235 पैसे को, तो देखिए 235 हमने पैसा लिखा और रुपए में चेंज करना है तो 100 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, देखिए 2 जीरो है ना तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये चेंज हो गया, यानी ये किस में हो गया, रुपए में चेंज हो गया। प्रश्न नंबर 3 का पहला देखते हैं, 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको जब हम व्यक्त करेंगे तो इससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जिसे लिखा है 1 घंटा लिखा है, मान लो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि घंटा बड़ा होता है कि मिनट, तो घंटा बड़ा होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, जब कोई किसी बड़े चीज़ को छोटे में बदलना हो तो गुणा करते हैं, ध्यान रखना, जब कोई बड़े चीज़ को छोटे में बदलना हो तो गुणा करते हैं, और जब किसी छोटे को बड़े में बदलना हो तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। जब किसी बड़े को छोटे में बदलना हो तो गुणा करते हैं, जब छोटे को बड़े में बदलना हो तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसको अच्छे से ध्यान रखना, देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 घंटा लिख दें, 3 घंटा लिखा हो प्रश्न के पास, प्रश्न हो 3 घंटा, और उसको मिनट में बदलना हो, तो देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटा जैसे यहाँ पर लिखा है 3 घंटा, तो 3 तो लिखा रहने दो, और घंटा की जगह लिख सकते हो 60 मिनट, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या गुणा हुआ, नहीं हुआ, तो यानी यहाँ पर बड़ी चीज़ को जब छोटे में बदलते हैं तो गुणा होता है। अगर कहीं पर जैसे 120 मिनट लिखा है, अब इसको अगर घंटे में बदलना है तो यानी देखिए मिनट लिखा है और घंटा बदलना है यानी बड़ा करना है हमको, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, किससे, जितना होता हो, ठीक। तो जब 60 से भाग करेंगे तो 2 घंटा आ जाएगा। तो ध्यान रखना, बड़े को जब बड़े को छोटे में करते हैं तो गुणा करते हैं, और जब छोटे को बड़े में करते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब जितना हो उसकी वैल्यू उतने से है, जैसे घंटा मिनट है तो 60 इसकी वैल्यू है, तो उसी से गुणा करेंगे या फिर उसी से भाग करते हैं। अब बात करते हैं मेन सवाल पर, तो ये है सेंटीमीटर और इसको बदलना है मीटर में, तो सेंटीमीटर क्या होता है, ये छोटा होता है, और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है लगभग, तो अब क्या करना है, यहाँ पर छोटे से बड़े में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग कितने से करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए भाग कितने से करेंगे, तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जैसे हमने बताया था एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वहाँ पर 60 से गुणाया भाग हुआ था, यहाँ पर 100 से होगा। तो देखिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आपके सामने लिखा है और इसको बदलना है मीटर में, तो लिखेंगे 5 भाग कितने से देंगे, जितना यहाँ पर लिखा है। अब जो 5 को 100 से जब भाग देंगे तो देखिए 1 2 0 है, तो जी 2 0 हम दो संख्याओं पहले 0, 1 2 संख्या पहले 0 लगाना, तो ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। ठीक, अब बात करते हैं किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो देखिए अब अच्छे से समझना, यहाँ पर थोड़ा टिपिकल सवाल है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि 1000 से भाग होगा, क्योंकि हमारा सवाल किलोमीटर मीटर में नहीं है, किलोमीटर सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखो 1000 ये तो लिखा है, और मीटर की जगह हम जब सेंटीमीटर लिखेंगे तो मीटर की जगह किस संख्या से गुणा करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर समझिए ये मीटर है, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, यानी बड़े को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो गुणा करेंगे कितने से, जितना होता हो, यानी मीटर में 100 सेंटीमीटर होता नहीं है। ठीक, अब कितने जीरो हो गए, टोटल 3 2 5 5 जीरो हो गए, यानी 1 किलोमीटर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस या लाख 1 लाख सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो ये तो हमारा मीटर में तो अच्छा चेंज हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार से इसमें जब हम चेंज करेंगे, अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज हो गया, अब 5 सेंटीमीटर फिर लिखेंगे दोबारा, अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 लाख से भाग करेंगे। ठीक, तो 1 लाख से जब हम भाग करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 है, तो 5 संख्या पहले पॉइंट, ठीक, पॉइंट के बाद 5 संख्या होनी चाहिए, ये अब हमारा हो गया किलोमीटर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, 35 मिमी को सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले तो बात करते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक, तो mm छोटा है ना, तो अब इसमें छोटे को बड़े में चेंज करना है, तो जब छोटे को बड़े में चेंज किया जाता है तो भाग किया जाता है, तो 35 mm लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 35/10, अब ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में, तो जब सेंटीमीटर में हो गया तो ये हो गया हमारा आंसर कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करते हैं मीटर को, बदलना हमको इसी को है हर बार, तो अब देखिए मीटर में अच्छे से समझिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और फिर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, एम एम होता है ना, तो ये 100 लिखा हमने और ये सेंटीमीटर की जगह 10 mm। ठीक, अब देखिए ये मीटर और ये 1 2 3 mm, ठीक, 1000 mm होता है, 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो जब हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे 35 mm लिखेंगे हम, तो 35 mm को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 35/, अब कितने हैं यहाँ पर, 3 0 अगर लगा दें तो ये किस में हो गया, अब मीटर में हो गया। ठीक, तो इसको जब हम भाग देंगे 1 2 3, तो यानी 5 3 0, पॉइंट के बाद 3 संख्या हमको बनाना है, तो अब ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अब अगर बात करते हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में सवाल ऊपर और ले जाएंगे, देखिए ऊपर ले जाते हैं सवाल, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, फिर 1000, अब मीटर की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक मीटर में कितना होता है, 1000 mm ये होता है, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 6 0 हो गए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जब 35 mm को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किस संख्या से भाग देंगे, 6 0 से, कितने जीरो, 6 0 से हम भाग देंगे, तो अब ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, तो जब हम 6 0 से भाग दिया तो ये हमारा चेंज हो गया किलोमीटर में चेंज हो गया। ठीक, अब जब इसको भाग देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो
तो 0.000035, देखो 6 अंक हो गए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो बन गया अब इसका किलोमीटर। नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राम है छोटी राशि है उसको किलो में बदलना है, यानी बड़ी राशि में आपको बदलना है। तो जब बड़ी राशि में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 200 ग्राम लिखा है ना, तो अब इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, तो अब ये हमारा चेंज किस में हो गया, किलोग्राम में। अब बात करते हैं 2 जीरो तो ये कट गया, तो आया 2/10। तो जब ये 10 लिखा है ना, तो यानी पॉइंट के बाद एक संख्या होनी चाहिए, पॉइंट से दो संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.2 किलोग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, 0.2 किलोग्राम। अब देखिए फिर बात करता है 3470 ग्राम, तो इसको हम लिखेंगे 3470, ठीक। अब ग्राम लिखा है, किलोग्राम बदलेंगे तो किस संख्या से भाग करेंगे, 1000 से। तो देखिए 1 जीरो से 0 कट गया, अब 2 जीरो है ना, तो दो संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 4, 7, 4, यानी यहाँ पर 3.47 किलोग्राम, ठीक। अब बात करते हैं 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 किलोग्राम को अलग लिख लेंगे और 8 ग्राम को अलग लिख लेंगे। तो 8 ग्राम, अब देखिए 4 किलोग्राम तो सेफ है, और 8 ग्राम को जब हम चेंज करेंगे, तो 8 ग्राम को जब देखिए चेंज करेंगे तो एक किस संख्या से भाग करेंगे, 1000 से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 है ना, तो ठीक पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.008 ग्राम, ठीक। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा किलोग्राम, यानी किलोग्राम में बदलना था, तो ये हो गया। अब ये किस में बदल गया, देखिए ये ग्राम में था, अब ये किलोग्राम में बदल गया, तो 4.008 क्या किलोग्राम, ठीक। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। प्रश्न में 5वां कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है, तो कह रहा है 20.03। तो देखिए विस्तार क्या होता है, अगर देखिए दो की वैल्यू, प्लेस वैल्यू कहते हैं इसे, दो, तो अब देखिए इसमें दो संख्या है, इकाई और दहाई, तो अगर दहाई है तो किस संख्या से गुणा किया जाता है, 10, प्लस इकाई कितना है, 0, अगर 0 इकाई है तो इकाई में 1 से गुणा किया जाता है, ठीक, प्लस। अब बात करते हैं दशमलव के बाद की, अगर दशमलव के बाद एक संख्या होती, अगर दशमलव के बाद एक संख्या होती, यानी हम इस 0 की अगर बात करें, तो जैसे मान लेते हैं 3.5 लिखा है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो यानी कितना लिखेंगे, 10, यानी दशमलव के बाद अगर एक संख्या है तो 10, अगर यहाँ पर लिखा होता दो संख्या है तो दशमलव जब हटाते तो कितनी संख्या, 2 जीरो लगाते, अगर 3 संख्या होती तो 3 जीरो। देखते हैं किस वैल्यू कहाँ पर है, जैसे 3.05, तो ये जो संख्या है दूसरे स्थान पर है, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो 2 जीरो लगाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो अब इस जीरो की जब बात करते हैं, तो दशमलव के बाद एक संख्या बाद है ना, तो एक संख्या अगर है तो यानी 10 से भाग होगा, फिर प्लस। अब इस 3 की बात करते हैं, 3, तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर है, 2 संख्याओं पर, तो 2 संख्याओं पर है, यानी किस संख्या से गुणा होगी, 1/100, यानी 2 संख्याओं से। अब इधर बात करते हैं 2.03, तो ये 2 जो है इकाई है सिर्फ, इसमें दहाई तो है नहीं, तो 2 गुणे कितना होगा, 1 होगा, प्लस। अब ये जो इस 0 की बात करें तो इसमें किस संख्या से गुणा होगा, 10, क्योंकि दशमलव के तुरंत एक स्थान बाद है, जब एक स्थान बाद होता है तो 10, अगर 2 संख्या। अब इस 3 की बात करते हैं, ठीक, अगर मान लो 0.3 होता प्लस, तो अब जब 3 में किस संख्या से भाग होगा, 2 संख्याओं से, क्योंकि ठीक 3/3 में अगर लिखना होता है इसे, पॉइंट हटाते तो 2 जीरो लिखना होता। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए 200 यानी 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे, प्लस जब ये 0 उतारेंगे यानी ये वाला, तो ये किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर, यानी 10 से गुणा करेंगे,
फिर जब इस वाले जीरो को उतारेंगे तो ये किसके स्थान पर, इकाई वाले स्थान पर, यानी एक से गुणा करेंगे। फिर प्लस बात करते हैं इस जीरो की, तो ये जीरो पॉइंट दाहिने तुरंत है ना, दाहिने, तो यानी किस संख्या से, 10 से, यानी 0/10 नहीं, 0×1/10। और जब इस तीन की बात करेंगे तब किस संख्या से, 100 से, यानी 3×1/100, 3×1/100। अब आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, 2, तो 2×, कितना, इकाई के स्थान पर है ना, तो 1 प्लस, अब इस जीरो की बात करें तो किस संख्या से गुणा होगा, 1/10। अब अगर इस तीन की बात करें तो किस संख्या से गुणा होगा, 100 से, दो स्थान है। फिर अगर इस चार की बात करें तो किस संख्या से गुणा होगा, 1000 से। इस प्रकार से आप विस्तार कर लेंगे। नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2.56 में 2 का स्थानीय मान, यानी 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान देखिए क्या है, ये देखिए इकाई वाले स्थान पर है, तो इसे हम लिखेंगे 2 का स्थानीय मान इकाई है। क्या है स्थानीय मान, इकाई है। फिर देखते हैं 21.37 में स्थानीय मान किसका, 2 का, 2 का स्थानीय मान, तो देखिए इकाई दहाई, यानी दहाई है ना, तो दहाई वाले स्थान पर है ना, तो 21.37 में 2 का स्थानीय मान दहाई है। अब बात करते हैं 10.25 में, तो देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, देखिए यहाँ पर है, यानी अगर इसको हम चेंज करते तो 2 लिखते थे, गुणे में कितना लिखते, 1/10, यानी दसवां, यहाँ पर क्या कहेंगे, दसवां, ठीक, स्थानीय मान कितना है, दसवां है। फिर बात करते हैं 9.42 में, तो इस जब 2 को हम लिखते तो बटे में कितना, 100 लिखते, तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, सवा, ठीक, सवा है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर सवा है, सवा है। अब बात करते हैं इसमें देखते हैं जब, तो देखिए 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान होगा 1000वां, यानी 2×, कितना, 1, 2, 3, 0, तो यानी 1000वां, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000वां है, ठीक। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। नंबर 7 कह रहा है दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया, पहले ए से बी तक गया, कौन, दिनेश, वहां से स्थान सी तक गया, यहां से सी पर आया, ए से बी के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 7.5 किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर, किलोमीटर, और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर, बी और सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया, पहले अयूब था, ये डी तक आया, और वहाँ से स्थान सी तक गया, यानी गया वो भी यहीं तक। अब कह रहा है ए से सी के बीच की दूरी 9.3 किलोमीटर, ए से डी के बीच की दूरी, ए से डी के बीच की दूरी 9.3 किलोमीटर है, और डी से सी के बीच की दूरी 11.8 किलोमीटर है, किसने ज़्यादा दूरी तय की और दूरी कितनी अधिक थी। तो सबसे पहले कौन गया, दिनेश, तो दिनेश द्वारा तय दूरी, दिनेश द्वारा तय दूरी, तो दिनेश ने कितनी दूरी तय की, 7.5 किलोमीटर यह है और 12.7 किलोमीटर यह, तो टोटल हो जाएगा 7 और 5 12 का 2 हासिल आया 1, तो 12 1 13 और 13 7 20, यानी 20.2 किलोमीटर, ठीक। अब बात करते हैं अयूब की, तो अयूब द्वारा तय दूरी, अयूब द्वारा तय दूरी, तो अयूब का जब हम देखते हैं तो 9.3 किलोमीटर यह है और 11.8 किलोमीटर यह है, इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आएगा 8 3 11 और हासिल आया 1, तो 11 1 12 12 9 21, 21.1 किलोमीटर। अब कह रहा है किसने ज़्यादा दूरी तय की, तो अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की, यानी 21.1 है और 20.2, तो किसने ज़्यादा दूरी तय की, 21.1 ने, तो ये कौन है, अयूब, ये कौन है,
अय्यूब ने ज्यादा दूरी तय की। अब बात कर रहा है कितनी अधिक थी, तो 21.1 में से घटाएंगे 20.2। तो देखिए यहाँ पर हासिल लेंगे 11 में से 2 गया 0.9 और बाकी सब 20 है, यानी 0.9 किलोमीटर अधिक। अगर मीटर में बात करें तो 900 मीटर हो जाएगा। नंबर 8 कह रहा है, श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। तो बात सबसे पहले बात करते हैं श्यामा की। तो श्यामा ने 5 किलोग्राम और 300 ग्राम ये क्या है सेब, और फिर कह रहा है 3 किलोग्राम और 250 ग्राम आम, 3 किलोग्राम ठीक और 250 यानी 250 ग्राम आम खरीदे ठीक। तो यानी कुल फल कितने खरीदे, तो कुल फल जब जोड़ेंगे तो यानी 0.55 ये क्या हो गया ग्राम हो गया, और इधर 8 किलोग्राम और 550 ग्राम उसने फल खरीदे। अब बात करते हैं सरला की। तो देखिए सरला ने 4 किलोग्राम, तो सरला ने 4 किलोग्राम और 800 ग्राम ठीक, ये क्या संतरे ठीक। फिर कह रहा है 4 किलोग्राम और आइटम खरीदा 4 किलोग्राम और 150 ग्राम केला खरीदा। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, 8 1 9 ठीक, और ये 950 ग्राम है और इधर 8 किलोग्राम ठीक, 8 किलोग्राम 950 ग्राम और श्यामा ने 8 किलोग्राम 550 ग्राम। तो पूछ रहा है किसने अधिक फल खरीदे, तो किसने अधिक फल खरीदे यानी ये वाला बड़ा है, तो लिखेंगे सरला ने अधिक फल खरीदे। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज 2.5 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।